टीम इंडिया की जीत, यूपी की सियासत में आई नई बात। अखिलेश ने इंडिया को दी बधाई, पीडीए पर अपनी व्याख्या सुनाई। योगी तक अखिलेश की बात गई तो उन्होंने भी रख दिया संदेश। ऐसा लगा 2024 की लड़ाई में योगी और अखिलेश आमने सामने आ गए। एक ओर जहां पूरा देश श्रीलंका पर भारत की शानदार जीत के लिए बधाई दे रहा है, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऐसी बात कही जिससे यूपी की राजनीति का माहौल गर्म हो गया है। अखिलेश और योगी आमने सामने आ गए हैं। अब कहने वाले कह रहे हैं दोनों ने श्रीलंका पर भारत की जीत में भी राजनीतिक एंगल खोज लिया। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत श्रीलंका के बीच खेले गए मैच में भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की है। भारत ने श्रीलंका की पूरी टीम को 55 रनों पर ऑल आउट कर दिया। भारत ने 302 रनों से जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। वहीं भारत की शानदार जीत के बाद यूपी में सियासत के दो धुरंधरों के बीच जबरदस्त लड़ाई हो गई। दोनों ने अपनी ओर से कुछ ऐसा तर्क दिया, भारत की जीत को अपने शब्दों में ऐसे परिभाषित किया, ऐसे सियासी शब्दों का इस्तेमाल किया। ऐसा लगा 2024 की लड़ाई के लिए दोनों नेताओं की ओर से बड़ा संदेश दे दिया गया। अखिलेश ने भारत की शानदार जीत को अपने लफ्जों के जरिए उसमें अपने विजन को समाकर आगे बढ़ाने का काम किया, तो सीएम योगी की ओर से भारतीय क्रिकेट टीम को दी गई बधाई में ऐसा लगा कि ये बधाई भारतीय टीम को नहीं पीएम मोदी को दी गई, जिसके जरिए भारत के लोगों को मोदी के विजन से कनेक्ट करने का प्रयास किया गया। एक तरह से योगी और अखिलेश के बीच जबरदस्त लड़ाई शब्दों के जरिए शुरू हुई है। लड़ाई हो भी क्यों ना, इन दोनों का नाता उस प्रदेश से है जहां दिल्ली के लिए जाने का रास्ता निकलता है। यूपी की लड़ाई जिसने भी जीती तय है कि दिल्ली पर उसी का कब्जा होगा। ये बात सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बखूबी जानते हैं, पूरी तरह से मानते हैं। बीजेपी को अगर केंद्र की सत्ता से बेदखल करना है तो यूपी से बीजेपी को आउट करना होगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बखूबी जानते हैं नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री तभी बन सकते हैं जब उनकी सियासत फॉर्म में रहे, जब सियासत की पिच पर कप्तान मोदी के लिए वो विरोधियों के खिलाफ शानदार पारी खेलें। योगी के शानदार परफॉर्मेंस पर ही मोदी की अगुवाई में बीजेपी 2024 में सियासत का लाल किला कप जीत सकते हैं। इसीलिए सीएम योगी भी अपने अंदाज में मोदी के विजन को रख रहे हैं। बधाई तो भारतीय टीम की जीत की दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है यूपी की जनता को मोदी के पक्ष में तीसरी बार जनादेश देने का आह्वान कर रहे हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, सबसे पहले जानिए अखिलेश ने टीम इंडिया को अपने लफ्जों में किस तरह से बधाई दी। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, क्रिकेट विश्व कप में भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए मुकाबले में भारतीय टीम की शानदार जीत पर समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। इसके बाद एक और पोस्ट किया, इस पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा, इंडिया ने जो हाल करा क्रिकेट में श्रीलंका का, वही हाल पीडीए कर देगा बीजेपी के डंका का। इसके साथ अखिलेश ने एक तस्वीर भी पोस्ट की। इस तस्वीर में मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा के साथ रोहित शर्मा भी हैं। इसके मायने हैं पीडीए की नई परिभाषा जो अखिलेश ने दी है, ये तस्वीर उसको परिभाषित करती है। अखिलेश यादव ने पहले पीडीए का मतलब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक मुसलमान बताया था, लेकिन फिर अखिलेश यादव ने पीडीए यात्रा के दौरान पीडीए में एक और शब्द जोड़ दिया था, पीडीए में ए फॉर अगड़ा बताया था। ये तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की ओर से दिए गए संदेश की बात हुई। चलिए अब आपको बताते हैं सीएम योगी ने टीम इंडिया की जीत पर क्या कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा, एक और असाधारण ऐतिहासिक विजय, श्रीलंका पर भारत की शानदार और अविस्मरणीय विजय की सभी देशवासियों और खेल प्रेमियों को हार्दिक बधाई एवं भारतीय क्रिकेट टीम के सभी सदस्यों का अभिनंदन। विश्व विजय का संकल्प पूर्ण हो यही कामना है। अखिलेश सीधे तौर पर भारत की श्रीलंका पर जीत को पीडीए की जीत करार दे रहे हैं, तो योगी विश्व विजय का संकल्प करार दे रहे हैं।